लिंग के मसाज के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा लिंग का साइज बढ़ाने का है, लिंग सिकुड़ गया है, लिंग की लंबाई कम है, गोलाई कम है, लिंग का मसाज कैसे करें, ऐसे काफ़ी सारी ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्वायरीज आती रहती है। तो मैं आज बात करूँगा लिंग की मसाज। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह हमारे हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्री हॉस्पिटल है जहाँ मानसिक बीमारियों का इलाज होता है और ऑनलाइन ऑफलाइन भी हम कंसल्टेशन करते हैं। लिंग की मसाज करना ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक जैसा है कि कुछ लोग बोलते करना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं करना चाहिए। कुछ स्टडीज ऐसी है कि लिंग का मसाज करने से लंबाई बढ़ती है कि नहीं है, कुछ हाँ बोलते हैं कुछ ना बोलते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि इसमें नुकसान नहीं है तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि लिंग की मसाज करने से 30-40% फ़ायदा होता है, लंबाई में, गोलाई में, सिकुड़ने में फ़ायदा होता है। फिर लिंग के मसाज की डिमांड क्यों करते हैं लोग? नंबर एक, टेढ़ापन है, गोलाई बढ़ाना है, लंबाई बढ़ाना है, ढीलापन है, जल्दी गिर जाता है, ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेंट के लिए लोग लिंग के मसाज के बारे में पूछताछ करते हैं और लिंग के मसाज कैसे करना है पूछते रहते हैं। कीगल एक्सरसाइज आप ऐड करते हैं इसके साथ साथ, मसाज के साथ साथ, तो 60% फ़ायदा हो सकता है। देखो, लिंग की मसाज मैं एकदम सिंपल बताऊंगा तरीका, ताकि आपको प्राइवेसी भी ना मिलती है ना, तभी भी आप कर सकते हो। यूजुअली जो लोग आर्मी में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कॉमन रूम्स में हैं, छोटा घर है, तो भी जगह मिलती नहीं लिंग का मसाज करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि आप बाथरूम में भी कर सकते हैं लिंग की मसाज। लिंग की मसाज करने का बेस्ट टाइम है रात को, बेस्ट है रात, रात को सोने के पहले करना है। मसाज करने के बाद में धोने का नहीं है लिंग को। सुबह नहाने के बाद में भी आप लिंग की मसाज कर सकते हैं। नहाने के बाद में आपने गुनगुने पानी से लिंग को धोना है ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, वैसे डायलिटेशन हो जाएगा। और फिर आप, जैसे हम लोगों को भेजते हैं प्रेस्टो ऑयल है, फिर एक्सट्रीम ऑयल है, हमारे पास में अलग अलग ऑयल्स है, तो वो ऑयल्स से हम बोलते हैं कि मसाज करो। आपको यदि ऑयल नहीं मिलता है तो आप सीधा कोकोनट ऑयल लो, थोड़ा सा उसको गुनगुना गर्म करो और उसको हाथ में लेना है, हाथ में लो, फिर ये उंगलियों को लगाओ, ऐसे उंगलियों को लगाने का है, और अंदर से बाहर तक उसको मसाज करते करते लाना है। तो जैसा एक हाथ से आप ग्लांस पेनिस पकड़ सकते हैं, ग्लांस पेनिस मतलब सामने की जो सुपारी जैसा मोटा पोर्शन है, वहाँ एक हाथ से पकड़ सकते हैं बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से आप जैसा आटा गूंथते हैं वैसा आटा बुनते 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 समझो ऐसा लिंग है, तो ये ऐसा 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 मसाज उसको कर सकते हैं सामने तक, ग्लांस पे करने का नहीं है, तो ऐसा ये कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि दो उंगलियां हैं, ये इंडेक्स फिंगर या थंब, ये ऐसा एक ऊपर एक नीचे, और जैसा गाय का दूध निकालते गाय का, तो गाय का दूध जैसा निकालते वैसा उसको ऐसा बाहर खींचते, मतलब अंदर से आपको बाहर खींचना है, मतलब ये ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड फ्लो, ये बाहर जाना चाहिए। अब ये करने के समय यदि दर्द होता है तो आपने रोक देना है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 4-5 मिनट तक आप ऐसे 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 मसाज कर सकते हैं, देखो ये ऐसा 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 कर सकते हैं, या फिर सीधा ऐसा बाहर खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मसाज करने के बाद में आपने धोने का नहीं लिंग को, और हस्तमैथुन भी करने का नहीं है, मतलब मास्टरबेशन नहीं करने का है। तो मतलब यदि ऐसा हो गया कि मसाज करते करते लिंग में बहुत ज़्यादा इरेक्शन आ गया तो मसाज करना बंद कर देने का है। धोने का नहीं है पानी से, बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो गया तो आप टिश्यू पेपर से उसको मॉप कर सकते हो, दो बार करना है, 5 मिनट, 4-5 मिनट एक बार, ऐसे दो बार करने का है। लिंग में उत्तेजना आ गई, इरेक्शन आ गया तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। पार्टनर आपका मसाज कर सकता है, उसमें और मजा आएगी आपको कि पार्टनर आपका मसाज करके दे रहा है। मसाज से आपको इरेक्शन में फायदा होता है, टाइमिंग में फायदा होता है, और खून जो है वो खून वहाँ बढ़ जाता है, खून रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है,
और उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये इसमें फ़ायदा ऐसा है कि पार्टनर के साथ में जो एक बॉन्डिंग है वो अच्छा होता है, पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग अच्छा होता है और आपको अच्छा भी लगता है। देखो हम मसाज करने जाते हैं, बॉडी मसाज करते हैं, तो बॉडी मसाज जब कर अच्छा लगता है ना अपने आप को जब मसाज करते हैं, तो वैसे ही लिंग का है कि लिंग का मसाज आप करते तो आपको अच्छा लगेगा, लिंग में भी उत्तेजना आएगी, वहाँ की मसल्स वो भी पावरफुल हो जाएगी और इन जनरल आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।